ऑस्ट्रेलियन बिजनेस लीडर के एक सर्वे में 30,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें पूछा गया कि फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है। उन्हें डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे बहुत से ऑप्शन दिए गए। जब सर्वे का रिजल्ट बाहर आया तो जानते हैं क्या हुआ, 90% लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स को वोट दिया। यानी ऑलमोस्ट सभी लोग ये मानते थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान की सक्सेस के लिए। ये रिसर्च बिजनेस लीडर्स के बारे में थी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल वर्ड सुनते ही कुछ लोगों को शायद ऐसा लगे कि ये किसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए बना है या फिर किसी सेलिब्रिटी या एक्टर के लिए होगा। लेकिन दुनिया के हर इंसान, चाहे वो यंग हो या ओल्ड, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन, स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन सभी करते हैं और इसके बिना हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का कोई और तरीका नहीं है। ये दुनिया बात करने से चलती है और इसलिए शब्द हमारे जीवन की सबसे बड़ी पावर है। अगर कोई इंसान इसे अच्छे से यूज करना सीख जाए तो वह बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है। इसलिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना उतना ही वैल्यू रखता है जितनी नॉलेज गेन करना होता है। अगर आप अपनी बात को इफेक्टिवली और इफिशियंटली नहीं रख पाते तो फिर चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, आप किसी से अपनी बात मनवा नहीं पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल्स या चालाकी से बात करने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बनकर लोगों से सिर्फ अपना काम निकलवा लें या लोगों का गलत फायदा उठा लें, बल्कि किसी से बात करने के दौरान अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें जहां आपकी बात सुनने वाले को भी आपसे बात करके अच्छा लगे, खुशी हो, और फिर आप अपना काम, कोई बिजनेस डील या कोई डेट बड़ी आसानी से क्लोज कर लें। इन अदर वर्ड्स, क्रिएटिंग अ विन-विन सिचुएशन फॉर यू एंड द अदर वन। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वो हाईली यूजफुल टिप्स जिन्हें जानकर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना पावरफुल बना लेंगे कि कभी किसी के सामने बिना किसी परेशानी या हिचकिचाहट के इफेक्टिवली बात कर पाएंगे, उन्हें कन्विंस भी कर लेंगे और एक कुशल वक्ता कहलाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, मेक अ कनेक्शन। दोस्तों, आज की फास्ट लाइफ में किसी से बात करने में जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है वो है उनकी अटेंशन को ग्रैब करना, क्योंकि हर इंसान या तो किसी टेंशन या किसी थॉट्स, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी उलझा हुआ है जहाँ उसका अटेंशन स्पान बहुत कम है। ऐसे में अपनी बात के दौरान किसी से कनेक्ट हो पाना आपकी बातचीत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। इसके लिए किसी से मिलकर अपनी बात शुरू करने से पहले आपको उसके मूड को समझना होगा। अगर आप इसे समझे बिना ही किसी से बात करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है वह आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो और फिर आपसे कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी पर्सन से मिलते हो और बिना उसका मूड जाने हुए ही आप उसे घूमने जाने की बात करते हैं और वह पर्सन किसी टेंशन में उलझा हुआ है तो क्या लगता है, ये सही होगा, जबकि उसे आपकी सिंपैथी की जरूरत है। इसी तरह आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हुआ हो और आप उससे मिलते ही किसी वेब सीरीज के एक कॉमेडी कैरेक्टर के बारे में बात करने लगे तो क्या वह आपसे आगे बात करेगा, जी नहीं। इसीलिए किसी भी कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने सामने वाले पर्सन के मूड को समझना और उसी के अकॉर्डिंग बात करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी बातचीत को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, लोगों की प्रशंसा करें। दोस्तों, हर किसी को अपनी तारीफ पसंद है। इनफैक्ट कभी कभी ये जानते हुए भी कि कोई पर्सन जानबूझकर हमारी तारीफ कर रहा है तो भी हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी तारीफ अच्छी ही लगती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हमें लोगों की तारीफ करना चाहिए, ऐसा करने से माहौल खुशनुमा हो जाता है और अपनी बातचीत के शुरुआत में ही अगर आप किसी को हैप्पी कर देते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ये आपकी कम्युनिकेशन में 4 चांद लगा देगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमें उस पर्सन की ही तारीफ करना है, न कि उससे जुड़ी हुई किसी चीज की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, उसके बजाय ये कहें कि ये शर्ट आप पर बहुत अच्छी लग रही है। लेल लॉन्ड्रिस, जो कि एक ऑथर और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, ने अपनी बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन में बताया है कि जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो मिलते ही एक आई कॉन्टेक्ट बनाने के बाद कुछ सेकंड्स रुककर फिर स्माइल करें, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है। ऑथर ने इस पॉइंट में कहा है कि अगर आप मिलते ही स्माइल देना शुरू कर देंगे तो हो सकता है किसी पर्सन को ये स्माइल जेन्युइन ना लगे, इसलिए किसी पर्सन से मिलते ही पहले आई कांटेक्ट बनाएं और उसके 2 सेकंड बाद पॉजिटिव स्माइल दें, जिससे बात शुरू होने से पहले ही आपकी पर्सनालिटी में एक सकारात्मकता दिखाई देगी। टिप नंबर 3, मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कम से कम और आसान भाषा में बोलते हुए अपनी बात को कह देना।
आसान भाषा इसलिए क्योंकि बोलने और लिखने में फर्क होता है। हम लिखते समय स्पेसिफिक और थोड़े डिफिकल्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन बोलते समय आपके सेंटेंस जितने आसान होंगे उतने ही जल्दी सामने वाले के दिमाग में उतरेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है कि आज के समय में लोगों के पास दूसरों के लिए सबसे कम टाइम है। हर इंसान अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी लाइफ को डेवलप या इम्प्रूव करने में देना चाहता है। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा या अननेसेसरी बोलेंगे तो ये किसी पर्सन का टाइम वेस्ट करने के बराबर होता है, और ऐसा करने पर कुछ देर में ही वह पर्सन आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगेगा। कई बार हम कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट करते हैं, जैसे एक्चुअली और बताओ, आई मीन कुछ इस तरह के वर्ड्स जो कि सामने वाले पर्सन को बहुत ज्यादा एनोइंग लग सकते हैं। याद रखें, अगर वह आपकी बात के जल्दी खत्म होने का इंतजार करने लगे, इसका मतलब वह आपके टॉक को सीरियस नहीं ले रहा। ऐसे में अगली मुलाकात के बारे में तो भूल ही जाओ। इसलिए अपनी बातों को सही तरीके से कम शब्दों में बोलकर अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह एक्सप्रेस करना एक आर्ट है जो आपको सीखना होगा, और ये आपको एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ एक इंटेलिजेंट पर्सन भी बनाता है। कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देने से आपके शब्दों की वैल्यू होगी, और इसके अपोजिट ज्यादा बोलने से हमारी बातों को हल्के में लिया जा सकता है। नंबर 4, अपने बोलने के तरीके पे वर्क करें। आप क्या बोलते हैं इससे कहीं ज्यादा मायने रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। आपकी बात अगर एक ही बार में सामने वाले तक पहुंच जाए तो इससे बेहतर क्या है। इसे डिटेल में कहूं तो एक अच्छी कम्युनिकेशन में कई चीजें मायने रखती हैं, जैसे आपके बोलने की स्पीड, आपके वर्ड्स की क्लैरिटी, आपकी वॉइस की लाउडनेस या सॉफ्टनेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहां का माहौल शांत है, वहां अगर आप हाई वॉल्यूम में बोलना शुरू कर देंगे तो यह आपको मजाक का पात्र बना देगा और आपके साथ बैठे हुए लोग भी एम्बैरेस्ड फील करेंगे। इसी तरह अगर आप बहुत धीरे बोलते हैं और आपके सामने वाला पर्सन बार बार फिर से कहना क्या कहा आपने जैसे वर्ड यूज कर रहा है, तो समझ जाए कि आप अपनी बात उसे अच्छे से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर आप इस पर वर्क नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी लोगों का इंटरेस्ट आपसे बात करने से चला जाएगा। कुछ लोग बहुत स्पीड में बोलते हैं और कुछ लोग स्लो। बहुत स्पीड में बोलने से कभी कभी हम हमारे इमोशंस और वॉइस मॉड्यूलेशंस को अच्छे से नहीं कन्वे कर पाते, और वहीं दूसरी तरफ धीरे बोलने से हम किसी इंसान को बोर कर देते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी बात को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो अपने शब्दों के बीच में सही जगह पॉज लें। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए थोड़ी प्रैक्टिस और इस पर वर्क करके आप इन चीजों को भी अपनी बातचीत में डाल पाएंगे और आप अपने कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब केवल मुंह से बात करना नहीं है, इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी एक बड़ा रोल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट, आपके एक्सप्रेशंस, आपके इमोशंस, आपके हैंड गेस्चर्स, ये भी आपकी ट्रू फीलिंग्स को किसी पर्सन तक पहुंचाने में कारगर है, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन के ही एलिमेंट है जो एक साथ मिलकर आपकी बातचीत को परफेक्ट बनाते हैं। इसी तरह एक राइट ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज किसी भी पर्सन से मिलकर अपना फर्स्ट इम्प्रेशन पॉजिटिव बनाने में हेल्प करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक आपकी बात के शुरुआती 90 सेकंड्स किसी भी इंसान को आपके बारे में बहुत कुछ कह देते हैं, और इस दौरान वह अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह डिसाइड कर लेता है कि यह बात इंटरेस्टिंग है या नहीं और इस बातचीत को आगे बढ़ाना है या नहीं। इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपकी कम्युनिकेशन का एक ऐसा टूल है जो आपकी बात को इंटरेस्टिंग बना देगा। दोस्तों, इन सभी 5 पावरफुल टिप्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी कम्युनिकेशन पॉजिटिव, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बन जाएगी। सो लेट्स इम्प्लीमेंट एंड सी द डिफरेंस। चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।